हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस के अंदर फाइंड आउट करना होता है हमें कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल के पांच वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी सब्स मैंने राइट डाउन किया हुआ है। पहले सब्स रीड कर लेते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी जो दिया गया वो दिया गया स्टैंडर्ड मिक्स का, मीन स्टैंडर्ड के रिलेटेड आपको यहां दिया गया है। केजीज दिए गए और पर केजीज का प्राइस दिया गया है। और यहां पर जो दिया गया है वो लिखा गया एक्चुअल कंज्यूम्पशन का, मीन एक्चुअल मटेरियल के रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये दिया गया एक्चुअल क्वांटिटी के रिलेटेड और उसकी प्राइस दी गई है, एक्चुअल क्वांटिटी की पर केजी की प्राइस दी गई है। और यहाँ पे कुछ रैंडम किया गया है कि जो स्टैंडर्ड लॉस था प्रोडक्शन में वो 20% था और एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 2400 kg हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये जो ब्रैकेट दिया गया है उसे हम कन्वर्ट करना है। जैसे तो फर्स्ट हमें यहां पर शॉर्ट में SQ, SP, AQ और AP राइट डाउन कर लेना है। SQ मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस, AQ मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी, AP मीन्स एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो ऑलरेडी एक्चुअल में हो चुका है वो राइट डाउन कर देना है। तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है ABC की और उसी का सामने उसका पर केजी का प्राइस भी दिया गया। तो हमें राइट डाउन कर लेना है कि एक्चुअल क्वांटिटी 650, 950 और 1200 और उसी का एक्चुअल प्राइस भी दिया गया जो पर केजी होना चाहिए। तो पर केजी दिया हुआ है 4.5, 3.5 एंड 1.8। ओके सर, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो स्टैंडर्ड की प्राइस तो आप राइट डाउन कर दोगे सेम टू सेम, लेकिन जो क्वांटिटी दी गई है ना इस क्वांटिटी के अंदर ये एडजस्टमेंट सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले प्राइस राइट डाउन कर लेते हैं, जो हमें सेम टू सेम लिख दे रही है 4, 3 एंड 2। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। तो यहाँ पर ये जो एजम्पशन दिया गया उसे हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद नया वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट होगा। क्योंकि ये जो क्वांटिटी दी गई है ये 1 kg पर दिया गया है कि इतना मटेरियल यूज हुआ है और एक्चुअल में इतना केजी इस्तेमाल हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2400 kg के हिसाब से। तो यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन करना है जो कुछ ऐसा है। हम एज्यूम करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 100 kg। हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि हमने मानो कि 100 kg का स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया और उसमें लॉस हुआ है। यहाँ पर लॉस दिया गया है 20% लॉस दिया गया है, तो हमें यहाँ पर 20% लॉस माइनस करना होगा। तो 100 का 20% लॉस मीन्स 20 kg, 20 kg माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 80 kg और वो 80 kg माना जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन माना जाएगा। तो हमें बस एक कंपेयर करना है, यहाँ पर जब 20% का लॉस हुआ था तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ था 2400 kg हुआ था, राइट। तो यहाँ पर हमने सैंपल से प्रोसेस की तो हमारा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन 80। तो हम कंपेयर कर लेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन 80, देयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 100। तो कंपेयर कर लेंगे जब एक्चुअल प्रोडक्शन 2400 था तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा। तो यहाँ पर कॉल कैलकुलेशन होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 80, तो हमें मिलेगा 3000। ये होगा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये जो हमें मिला है ये माना जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल माना जाएगा, जो यहाँ पर ABC की कैटेगरी में दिया गया है इसका टोटल दिया गया है 3000। अब हमें क्या करना है कि ABC तीनों के रेशियो में हमें बांटना होगा। तो यहाँ 25 दिया गया है, या 35 दिया गया है, और या 40 दिया गया है, तो हमें इसको पहले प्लस कर देना है। तो टोटल होने वाला है 100। तो हम 100 के रेशियो में हमको इसको डिवाइड करना होगा, मतलब 3000 जो दिया गया है इनटू 25 एंड डिवाइड बाय 100, ऐसा किया जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो होगा 750। सेम प्रोसेस करेंगे 35 के लिए, तो 3000 इनटू 35 एंड डिवाइड बाय टोटल 100, तो हमें मिलेगा 150। सेम थर्ड के लिए 40, तो 40 के रेशियो में बांटेंगे तो 3000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1200। तो इस तरह से यहां पर मिलेगा 750, यहां पर मिलेगा 150 और यहां 1200 मिलेगा। ये हो जाएगा इसका एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी फाइंड आउट करने के बाद अब हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। तो पहला मटेरियल मांगा गया है वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस, तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो कुछ ऐसा है। फर्स्ट मटेरियल
वेरियंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहां पर ए बी सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड माइनस सामने एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो फर्स्ट ए 750 इनटू 4 माइनस एक्चुअल 650 इनटू 4.5। पहले राउंड डाउन कर लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेंगे 7b इनटू 3 माइनस 950 इनटू 3.5, 7c 1200 इनटू 2 माइनस 1200 इनटू 1.8। उनका कैलकुलेशन करेंगे 750 इनटू 4 तो हमें मिलेगा 3000 माइनस 650 इनटू 4.5 तो हमें मिलेगा 2925 इज इक्वल टू माइनस प्लस 75 मिलेगा हमें। सेकंड इनटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3150 माइनस इसका इनटू करेंगे 3325 इज इक्वल टू माइनस 175। यहां पे माइनस 175 मिलेगा, यहां मल्टी करेंगे माइनस 2160 इज इक्वल टू प्लस 240। हमें लास्ट में क्या करना है, ए बी सी तीनों का प्लस करना है, बट हाँ जो माइनस है वो माइनस होगा, तो तीनों का प्लस माइनस करके जो मिलेगा वो आंसर होगा 140। आपको लास्ट में क्या करना है, जो आंसर अगर प्लस में आया तो आपको यहां पर लिख लेना है फेवरेबल का शॉर्ट फॉर्म एफ, मीन्स प्लस में आया तो फेवरेबल मीन्स ये प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से हमारे लिए फेवरेबल रहा, मीन्स अनुकूल रहा। माइनस में है तो आपको लिखने का होता है अनफेवरेबल, उसका सिंबल यू राइट डाउन कर लेना है। ओके, इस तरह से फाइंड आउट होगा कॉस्ट वेरियंस ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अब सेकंड, तो सेकंड यहां पर मांगा गया है मटेरियल प्राइस वेरियंस मांगा गया है, तो प्राइस वेरियंस के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करना होगा मटेरियल प्राइस वेरियंस। तो यहां पर प्राइस वेरियंस के लिए कुछ फॉर्मूला ऐसा है ए क्यू इन अ ब्रैकेट एसपी माइनस एपी। ए क्यू मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, अंदर हमें दोनों के प्राइस का डिफरेंस निकालना है, उसका इंटू किया जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी के साथ एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है। तो फॉर्मूला सॉल्यूशन करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इज 650 950 एंड 1200। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस दी गई है 4 और इसकी प्राइस है 4.5, तो 4 माइनस 4.5 सेम बी 3 माइनस 3.5 2 माइनस 1.8। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा माइनस 325। पहले माइनस करना है फिर आपको इंटू करना है, यहां पर तो यहां पर मिलेगा माइनस 475। जब यहां पे कैलकुलेशन किया जाएगा माइनस एंड इनटू तो हमें मिलेगा प्लस 240। अब इन्हें हमें प्लस माइनस करना है तो आंसर आएगा माइनस 560 जो होगा अनफेवरेबल। नाउ अब थर्ड फॉर्मूला मटेरियल यूजेस, मटेरियल यूजेस तो इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा थर्ड मटेरियल यूजेस वेरियंस। यूजेस मीन सर जो क्वांटिटी हमने यूज की गई है उसके आधार पर जो फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है एसपी इन ब्रैकेट एस क्यू माइनस ए क्यू। एसपी मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, एसपी स्टैंडर्ड प्राइस 432 और यहां माइनस करना है दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, तो एस क्यू माइनस ए क्यू 750 माइनस 650 1050 माइनस 950 1200 माइनस 1200। तो हमें यहां कैलकुलेशन करने पर फर्स्ट हम माइनस करेंगे देन हम इनटू करेंगे, तो यहां पे हमें मिलेगा 400 और यहां पे हमें मिलेगा 300 और यहां हमें मिलेगा 0। तो यहां पर हम प्लस करेंगे तो 400 प्लस 300 प्लस 0 इज इक्वल टू 700 और ये प्लस का है इसके लिए इसे हम कहेंगे फेवरेबल, ये प्रोडक्शन माना जाएगा फेवरेबल। सो इस तरह से मटेरियल यूजेस फाइंड आउट किया जाएगा। नाउ फोर्थ इज मटेरियल मिक्स वेरियंस। तो मिक्स वेरियंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर फोर
मटेरियल मिक्स वेरियंस। तो मिक्स के लिए यहां पर दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है क्वांटिटी इक्वल होने का और एक फॉर्मूला है क्वांटिटी अनइक्वल। क्वांटिटी मीन्स जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो दोनों की क्वांटिटी है वो हमें पहले चेकआउट करनी होगी। तो यहाँ पर 3000 क्वांटिटी है और यहाँ एक्चुअल की क्वांटिटी पर हम लोग देख लेते हैं, 650 प्लस 950 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2800। हमें मिक्स के लिए पहले क्वांटिटी का कंपेयर करना होगा, यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर एक्चुअल में 2800 है, मीन्स यहाँ पर क्वांटिटी है अनइक्वल। तो फॉर्मूला राइट डाउन किया जाएगा, वेयर क्वांटिटी इज अनइक्वल देन फॉर्मूला इज एसपी इन ब्रैकेट आरएसएम माइनस एएम। अब एसपी मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस, आरएसएम मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, एएम मीन्स एक्चुअल मिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना होगा आरएसएम। तो आरएसएम के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, आरएसएम मीन्स रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, और जिसका एक फॉर्मूला है कि हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से। तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू किया जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड डिवाइड किया जाएगा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो फर्स्ट ए बी एस सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड डिवाइड बाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 750 इंटू टोटल एक्चुअल 280 डिवाइड बाय 3000। सेम स्टैंडर्ड 150 इंटू 2800 डिवाइड बाय 3000। फॉर सी स्टैंडर्ड इज 1200 इंटू एंड डिवाइड बाय 3000। सो यहां से हमें आरएसएम फाइंड आउट होगा। तो आरएसएम होगा फर्स्ट ए का 700, सेकेंड का 980 एंड थर्ड का 1120। ये होगा आरएसएम। तो आरएसएम फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला एसपी इन ब्रैकेट RSM minus AM. SP, SP is standard price for 3 and 2. RSM, जो हमें फाइंड आउट किया यहां पर 700, 980 and 1120 minus AM. AM is actual mix means हमें वही quantity को ही mix मानकर लिख लेना है, जो actual quantity है वही हमारी बन जाएगी, यहां पर actual mix बन जाएगा। तो first 650, second 950 एंड थर्ड 1200। यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट हम माइनस करेंगे देन हम यहां इनटू करें, तो हमें आंसर मिलेगा फर्स्ट का 200 प्लस का सेकंड माइनस करेंगे देन इनटू करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 90 एंड थर्ड माइनस करेंगे फिर इनटू करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 160। यहां पर ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 130 प्लस का होने से हम क्या लिख देंगे, फेवरेबल माना जाएगा। फाइंड आउट होगा मटेरियल मिक्स वेरियंस। ऑलवेज याद रखिएगा दो फॉर्मूले होते हैं, अनइक्वल का ये फॉर्मूला है, तो इक्वल का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, जो हमारे यूजेस का फॉर्मूला है वही हमारा बन जाएगा मटेरियल मिक्स का फॉर्मूला। एसपी इन ब्रैकेट एसएम माइनस एएम, सेम फॉर्मूला, एम इज मिक्स। नाउ अब हम लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो है यहां मटेरियल यील्ड। ओके, 5 मटेरियल यील्ड वेरियंस। अब यील्ड के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है, कोस्ट पर यूनिट, यहां जो कोस्ट होगा वो भी होगा स्टैंडर्ड कोस्ट पर यूनिट इन द ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अभी यील्ड मीन्स होता है कि जो हमने लॉस किया है उसके बाद जो एक्चुअल में हुआ है उसे हम यील्ड बोलते हैं। तो यहां पर यील्ड पहले फाइनल कर लेते हैं, तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो हमें जो स्टैंडर्ड दिया गया है इसमें से अगर हम लॉस माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक्चुअल यील्ड माना जाएगा। तो मेरा लॉस माइनस कर देना है लॉस, तो लॉस कितना हुआ था 20% हुआ था लॉस, तो यहाँ पे 20% लॉस हमें माइनस कर देना है। तो 3000 का 20% लॉस होगा 600 और हमें मिलेगा वो होगा 2400। सेम एक्चुअल क्वांटिटी में उसका 20% लॉस हमें माइनस कर देना है जो होगा 560, जो हमें माइनस करने के बाद मिलेगा 2240। ये जो लॉस माइनस करने के बाद जो मिला है ये माना जाएगा एक्चुअल यील्ड एंड स्टैंडर्ड यील्ड। अब बात करते हैं
यहाँ राइटर कर देते, एक्चुअल यील्ड मिला हमें 2400 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मिला है 2240। अब बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो इसे हमें फाइंड आउट करना होगा एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का आपस में मल्टी करना है और डिवाइड करना है एक्चुअल यील्ड के साथ। तो देखते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल यील्ड। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस 750 इंटू 4 प्लस 1050 इंटू 3 प्लस 1200 इंटू 2 एंड डिवाइड बाय एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मींस आफ्टर लॉस करने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ है वो माना जाएगा 2400। अगर मल्टी करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3000 प्लस, यहां मल्टी करेंगे प्लस, इनका मल्टी करने मिलेगा हमें 2400 एंड डिवाइड बाय 2400 प्लस करेंगे ग्रांड टोटल 8550 डिवाइड बाय 2400 देन एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 3.5625। ये हमें मिलेगा स्टैंडर्ड पर यूनिट कॉस्ट जो आइटम कर लेंगे, अब माइनस करना हमें देन हमें इंटू करना, तो हमें आंसर मिलेगा 507 इन अ प्लस जो माना जाएगा फेवरेबल। तो इस तरह से यील्ड फाइंड आउट किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इसी तरह आपके लिए नए नए हेल्पफुल वीडियो आते रहेंगे।